सनसेट ट्रेवल ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं विशाल आपको आज गारापुर कोर्ट एक सुंदर सा भव्य महल आपको दिखाने लाया हूं, जो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में गारापुर नाम के एक छोटे से विलेज में ये सुंदर महल लगभग 250 साल तक राजाओं का शासन चला है। ये जो आपके महल के चार दीवारी है, इसके आसपास ये सारी चीज़ें महल की किस काम में आती थी? ये जो है ये सब घोड़ों के लिए था। अच्छा, यहाँ पे घोड़े रहते थे? इसमें घोड़े रहते थे। अच्छा, इसमें जो ये सबसे चौड़ा वाला दरवाजा दिख रहा है, अच्छा, इसमें जो है गाड़ी होती थी। अच्छा, और इसमें जो है जो इसके और इधर जब आप आ रहे हैं पूर्व दिशा में, ये जो आपको दरवाजे दिख रहे हैं, ये पीलखाना हुआ करता था, जिसमें वो जो है वो बढ़ई वगैरह वगैरह का जो कार्य करने वाला काम था, वो सारा जो कुछ भी बनाना बिगाड़ना होता था, चाहे जो भी हथियार से लेकर जो कुछ भी होता था, वो सारा प्रयोग के लिए ये था। अच्छा, और जब आप यहाँ गेट बाद ये मेन गेट है, ये मेन गेट से जब कहीं मतलब घुसने के बाद जब मेन गेट से बाईं तरफ आप देखते हैं, तो ये जो यहाँ से लेकर वहाँ तक ये दिख रहे हैं कमरे, अच्छा, ये सब जो है जहाँ सुनवाई के लिए हुआ करते थे। हाँ, मतलब किसी में मुकदमा देखा जाता था तो किसी में जो है पटवारी हो, ये सारे लोग बैठा, हमारे कर्मचारी अधिकारी ये सब इसमें बैठा करते थे। जी, ये सब इसके लिए था। और वो जो है वो हमारा इधर का हिस्सा जो है ये मेन महल हुआ करता था, वो उसके लिए हुआ करता था कि जब लोग ज़्यादा इकट्ठा हुआ करते थे तो उनके बीच अगर सभागार टाइप में, हाँ सभागार टाइप का था। अच्छा। और बहुत विशिष्ट लोग जब आते थे तो उनके लिए उसी सभागार के बराबर जो है ऊपर भी कमरे बने हुए हैं। अच्छा, उतने बड़े ही वो जो है वो उन लोगों के लिए हुआ करता था। आम जो घर आजकल के बन रहे हैं, हाँ, उससे किस प्रकार से अलग है ये? दरअसल इसमें अलग होने के तो कई रीजन है। जैसे क्या है कि जैसे एक महले के बराबर तो जो है इसकी नींव है जी, इसके नीचे जो है इसके नीचे तहखाना वगैरह भी है। अच्छा, तहखाना भी है। हाँ, लेकिन ये हमको उसकी जो है अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं है। छोटे मोटे तहखाने को जानते हैं और बड़े तहखाने को तो नहीं जानते हैं। जी जी, यह चीज़ है। बाकी इसके अलावा जो है इसकी जितनी भी छतें हैं वो कोई भी छत जो है वो लगभग 14 फीट के आसपास ऊंचाई पर हैं। जी, 14 फीट ऊंचाई लगभग। गर्मी के महीने में भी जो है, गर्मी के महीने में यदि पंखा ना भी हो तो भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, इसके अलावा जितने भी कमरे हैं, सारे कमरे में जितने सामने कमरे हैं, इन सब में जो है जैसे घर लोग बनाते हैं तो उसमें सूरज की रोशनी सारे कमरों तक नहीं पहुंचती है। जी, लेकिन सुबह के टाइम जब आप किसी भी दरवाजे को खोलेंगे तो सूरज की रोशनी सीधे जो है कमरे के जो है उस दीवार तक पहुंचेगी। और इस महल के अलावा भी कहीं पे कुछ मंदिर वगैरह बनवाए? हाँ हाँ, महल के अंदर भी मंदिर है। जी, अंदर भी मंदिर, अंदर भी मंदिर है। जी जी, इसलिए कि जो है पूर्वज जो है राम जी को जो है पूर्वज मानते हुए जो है तो उनका मंदिर जो है घर के अंदर है। अच्छा। और शिव जी को भगवान मानते हुए उनका मंदिर जो है घर के बाहर है, यहाँ से लगभग लगभग 700-800 मीटर दूर मान के चलिए। मेला ग्राउंड एक अलग से मंदिर बना। हाँ, और इसका जो है उसी समय का कंस्ट्रक्शन जो है हमारा अयोध्या में भी मंदिर का है। कोट रामचंद्र जिस मोहल्ले का नाम है उसमें भी हमारा जो है मंदिर है। ठीक है, एक महल के पास आया हूँ जिसके उत्तराधिकारी मैं धीरेन्द्र विक्रम सिंह जी। ये जो है ये गारापुर गांव है और ये सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लभुआ तहसील है हमारी। जी जी, और यह जो है जिसने महल का निर्माण करवाया उसके जो है मैं 7वीं पीढ़ी में जो है मैं मौजूद हूँ आज की तारीख में। हमारे पूर्वज जो है सबसे प्रथम जो है वो क्या कहते हैं शिवराज सिंह जी, फिर बलकरण सिंह जी, फिर जो है स्वर्गीय ठाकुर राम नरेश सिंह जी, फिर स्वर्गीय श्री राज नरेश सिंह जी। इस तरीके से जो है हमारी पीढ़ियाँ जो है वो चलती चली आ रही हैं। जी जी, जिसमें कि मैं आज की तारीख में मैं 7वीं पीढ़ी में हूँ। जी जी, और लगभग जो है हमारे पूर्वज रहे हैं उन्होंने जो है लगभग 350-400 वर्षों से जो है हमारा ये शासन सत्ता चल रही है। हाँ, शासन सत्ता चल रही है, लेकिन 150 सालों से जो है निर्विवाद थी। जी, उसमें किसी प्रकार के कहीं कोई दाग नहीं था। और हम इस महल के बारे में जानना चाहेंगे जी कि इस महल में क्या चीज़ें स्पेशल हैं जो और महलों से अलग करती हैं? जैसे पहली चीज़ तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो अन्य महल बने हुए हैं, जैसे कहीं का मान लीजिए चुनार का ले लीजिए और कहीं का ले लीजिए, तो वो लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं, लेकिन वो सब जो है पत्थर से निर्मित हैं। जी, और ऐसे इस ग्रामीण इलाके में जो है ईंट चूने या इन चीज़ों से बना हुआ महल जो है ये हमारा गारापुर ही आप पाएंगे। जी, और बाकी इसके अलावा भी जो है 2-3 और हैं, लेकिन जो है जो कि अपने आप में जो है वो समाप्त हो चुके हैं। महल का इतिहास क्या है या इस स्थान का जिस जो राजाओं का यहाँ पे शासन चला है उनका क्या इतिहास रहा है, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? जैसे इतिहास के लिए तो जो है उस समय जो है जिस समय राजतंत्र लागू था उस समय जो है तो पूर्ण रूप से यहाँ जो है
मुगलों का शासन रहा, फिर अंग्रेजों का शासन रहा, फिर इस तरीके से जो भी शासन रहा है उस शासन में जो है जो लोग रहे हैं उस तरीके से उसी व्यवस्था के अनुकूल जो है उनको करना पड़ा है जी जी। और उन्होंने उस चीज़ को जो है फॉलो भी किया है, पर यह कि हमारे यहाँ जो है कन्वर्टेड नहीं रहे जी जी। जहाँ तक हमारे शासनकाल, जहाँ तक उन लोगों का शासनकाल हमारे पूर्वजों का था और जहाँ तक उनका शासन था, वहाँ तक जो है हमारे इलाके में जो है कोई भी कन्वर्ट नहीं हुआ। कन्वर्ट होने से मतलब यह है कि लोग जो है हिंदू से मुस्लिम बन जाया करते थे और तमाम इस तरीके की ये सब चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन हमारे जहाँ तक हमारा इलाका हुआ करता था वहाँ तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है जी जी। इसके अलावा जो है हमारे पूर्वजों में जो है ठकुराइन हुआ करती थी, जो कि हमारी जो है वो सातवीं पीढ़ी में थी, ठकुराइन दरिया कुमार उनका नाम था। उन्होंने जो है अपने सिपाही और इन सबको मिला करके जो है उसी समय जो है अंग्रेज़ों से बगावत की थी। लगभग नियर अबाउट हम समझते हैं 1700 या 1750 के आसपास में जी जी। हाँ, राजा का शासन कहाँ तक चलता था, कितने एरिया में चलता था वो आप बता दीजिए। लगभग मान के चलिए कि कुल मिला करके जो है चारों दिशाओं को अगर काउंट किया जाए तो कम से कम जो है 50 किलोमीटर की एरिया में जो है जी जी। कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में बताइए, किस प्रकार से शासन व्यवस्था थी, जैसे मालगुजारी चलती थी पहले के ज़माने में, कैसे नहीं, कैसे वो देखिए मैनेज किया जाता था लोगों को, मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि हमारी एक गारापुर ही एक ऐसी स्टेट हुआ करती थी जी, जिसमें कि मालगुजारी लेने के लिए कभी भी अंग्रेज अफसर या कोई भी जी जबरदस्ती नहीं कर पाया। अच्छा, इसलिए कि हमारी स्टेट स्वयं जो है जितनी मालगुजारी हुआ करती थी उतनी वो भर दिया करती थी, रियायत से धीरे धीरे करके लिया करती थी जी जी। हमारे यहाँ इस बात के लिए पूरी छूट रहा करती थी, किसी प्रकार से कोई जोर दबाव नहीं हुआ करता था। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ की बात अगर की जाए तो अब दरअसल वह चीज़ तो कहने पर जो है थोड़ा सा हमको अनुचित लग रही है, लेकिन अब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक बार जो है यहाँ मतलब जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया गया है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार जो है यहाँ अंग्रेजों ने कैंप किया जो है जनता से जो है ज़बरदस्ती कर लेने के लिए जी जी। और वहाँ से जो है उस समय रियासत के लठैतों ने जो है उनको मार के यहाँ से भगाया था जी। इसलिए कि हमारे यहाँ की यह व्यवस्था थी कि हमारे यहाँ जो है प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट जो है वो नहीं होना चाहिए जी जी। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अंग्रेज़ों का क्या इन्वॉल्वमेंट था राजा के टाइम में, आपको अगर कुछ याद हो तो कुछ चीज़ें हमारे पब्लिक को बताइए। जैसे देखिए अंग्रेज़ों का तो एक मूल मंत्र था जी, और वो मूल मंत्र ये हुआ करता था कि वो सारी स्टेटों को जो है जितनी भी स्टेटें थीं भारत की जी जी, भारत की क्या जहाँ तक उनकी शासन सत्ता थी जी, वहाँ तक वो सारी स्टेटों को किसी न किसी रूप में जो है वो अपने में मिला लिया करते थे, करने की कोशिश करते थे। हाँ, उनको मिला लेना चाहते थे, वो मिला करके वो ये चाहते थे कि वो उनका हो करके रहे जी। जैसे हमारे जो है जब हमारे वो पिताजी पैदा हुए और हमारे बाबा जी जो है एक्सपायर कर गए, तो अंग्रेजों की एक नीति उन्होंने बना रखी थी कि जहाँ का नाबालिग वो राजा होगा जी, वह स्टेट जो है वो अंग्रेजों के हाथ में चली जाएगी पूर्ण रूप से। तो उस समय जो हमारे पिताजी जो है जब पैदा हुए तो मात्र 6 माह के ही थे, तो उसी समय जो है यहाँ अंग्रेजों ने जो है अपना जो है अफसर वगैरह बैठाल दिए और बाकी सारी चीज़ें हमारी जो कुछ भी जमीन के ऊपर जो कुछ भी था हमारा जी जी, वो सारी चीज़ें वो उठा करके ले गए अपने मालखाने में, उन्होंने जमा किया। उन्होंने कहा कि जब ये होंगे क्या कहते हैं बालिग होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न की जाएंगी जी। लेकिन फिर उसके बाद जो है सन 1947 में जो है आज़ादी के समय में जो है अंग्रेज यहाँ से चले गए और वो बाकी हमारी सारी चीज़ें जो है वो वापस नहीं की, वापस कुछ भी नहीं कुछ हुआ भी नहीं। और जो कि उस समय क्या होता था कि उस समय जो है सभी स्टेटों में यह व्यवस्था थी कि जैसे हाथी के ऊपर जो है हाथी के ऊपर बांधने के लिए हौज बनाए जाते थे जी। अब जो हौज बनाए जाते थे उन हौजों में जो है जैसे लोहे का हौज बनाया जाता था जो कि लड़ाई के समय में काम आता था। ये जरूरी नहीं है कि लड़ाई हो ही, लेकिन यह वह चीज़ बना करके रखी जाती थी जो कि हाथी के ऊपर बांधी जाती थी जी जी। चांदी का हौज बनाया जाता था जो कि वो किसी शुभ कार्य के समय में जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था, जैसे शादी ब्याह वगैरह वगैरह। और या जो है इसके अलावा जो है जब वो क्या कहते हैं कोई धार्मिक कार्य के लिए था तो उसके लिए जो है तांबे का हौज बनाया जाता था जी। ये बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है अंग्रेज मतलब यह है कि जो कुछ भी हमारा जमीन के ऊपर जो भी रहा सारी चीज़ें कब्जा कर लेते, सारी चीज़ें वो उठा ले गए। यहाँ तक कि जो है हमारे यहाँ उन्होंने जरा कोर्ट ऑफ पार्डस के नाम से जो है उन्होंने एक कानून बना रखा था जी। और उस कानून के तहत जो है जिस स्टेट का वारिस जो है वो नाबालिग हुआ करता था तो उसको जब अपने में मिला लेते थे तो सारी चीज़ें पैदा हम करते थे, अनाज जो है हमारे खेतों से पैदा होता था, सब कुछ हमारे यहाँ से होता था, तो सिपाही मुख्तार मुंशी ये सब हमारे होते थे। लेकिन इसके बाद जो है
राशन उनका जो है अधिकारी यहाँ बैठ करके तौल के दिया करता था कि इनको कितने राशन की आवश्यकता है, मतलब सारी मेहनत आप करें हाँ। और सारा धन सब कुछ उनका, सब कुछ उनका हाँ। तो इस तरीके से व्यवस्था, अंग्रेजों का शासन बहुत ही बुरा था सब हाँ। जानते हैं। और दरअसल अंग्रेज हमसे जो है इस गारापुर स्टेट से जो है थोड़ा खफा भी रहा करते थे, उसलिए खफा रहा करते थे कि हमारी स्टेट जो है, हमारी स्टेट किसी प्रकार से उनको जो है बहुत तवज्जो नहीं देती थी। पर आप देखिए तो जो क्षत्रियों का है कि शेर बना है, ये बना है, वो बना है, ऐसी सारी चीज़ें जो है, मछली बनी है, तो ये सब चीज़ें जो है हमारे यहाँ बनाई गई, इसलिए कि हम जो है हम अंग्रेज़ों के अंडर में तो थे जी, लेकिन गुलाम नहीं थे, गुलाम नहीं थे, स्वतंत्र होकर काम करते थे हाँ, पब्लिक के लिए हाँ। ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप लोग भी आइए, देखिए ये बहुत बड़ा भव्य महल बना हुआ है, आप इसको टूरिस्ट के रूप में आके इसको देख सकते हैं।